इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे Redmi Y1 के अंदर अगर हमारा फ़ोन हैंग होता है Redmi Y1 तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा देखेगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले जो आपको सेटिंग्स में जाना होगा अपने Redmi के फ़ोन्स में, और Redmi के फ़ोन्स में सेटिंग्स पे जाने के बाद अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पर आपको MIUI वर्ज़न दिखाई देता है, इस पर आपको 7 टाइम जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद बैक लाना है, बैक लाने के बाद जो है आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग्स दिखाई देगा, तो एडिशनल सेटिंग्स को आपको खोल लेना है। जैसे एडिशनल सेटिंग्स को खोलेंगे यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन दिखाई देगा, तो डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करिए। और डेवलपर ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिए तो नीचे जाइए। नीचे जैसे ही जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको विंडो एनिमेशन स्कल दिखाई देता है, और ट्रांसमेशंस एनिमेशन स्कल दिखाई देता है, और एनिमेटर डायरेक्शन स्कल दिखाई देता है। तो इस पर आप 0.5x पर क्लिक कर दीजिए, पहले वाले पर भी, दूसरे वाले पर भी 0.5x पर क्लिक कर दीजिए, और तीसरे वाले पर भी 0.5x पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इन दो तीनों को सेट करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये हमारा जो प्रोसेस हुआ हमारे Redmi Note 5 Pro के अंदर हुआ है, आप किसी भी फ़ोन्स के अंदर ये प्रोसेस कर सकते हैं।